आने वाले दिनों में और भी कई बैंक सरकारी पीसीए से बाहर हो सकते हैं क्योंकि बैंकों की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है, यह संकेत दिए वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने। राजीव कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह ने। देखिए, जो तीन बैंक अभी पीसीए से बाहर आए हैं तो ये सब परफॉर्मेंस के बेसिस पर हुआ है। ये इस बेसिस पर हुआ है कि बैंकों में एक आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, एक सुधार हो रहा है, एक दशा भी सुधार हो रही है और एक दिशा भी परिवर्तन हो रही है। तो दशा सुधार हो रही है, जैसे सबके एनपीएस रिकग्नाइज हो चुके हैं, पीक हो चुके हैं, अब वो घटने भी शुरू हो गए हैं। इसी समय में करीब करीब 28-29 हज़ार करोड़ के एनपीएस घट भी गए हैं। जो लॉसेज हुए थे वो भी सब प्रोविजन फॉर हो गए हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियोज ऑलरेडी 68-69% टच कर रहे हैं। रिकवरीज ऑल टाइम हाई हैं। रिकवरीज करीब करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर की ऑलरेडी हो चुकी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल में करीब करीब 1,80,000 करोड़ की रिकवरी होगी। सो बैंकों में एक आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन इस तरीके का है कि क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप्स को चेंज कर रहा है। अगर आपने पैसा लिया है तो जिम्मेदारी के साथ उसको निभाना है, उससे वैल्यू ऐड करनी है। इट्स नॉट लाइक कि आप एक बार लें और उसके लिए आईबीसी में रास्ता दिखाया गया है कि आप अगर ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं तो फिर किसी दूसरे को निभाने दीजिए। तो तीन पीसीए जिन्होंने बेटर परफॉर्म किया वो अभी बाहर निकल चुके हैं, उनसे लेंडिंग बढ़ेगी, उनसे जो जेन्युइन उद्योग हैं और अब जेन्युइन के अलावा किसी और को मिले ऐसी संभावना बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके ख़त्म की गई है। सो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के स्पेस में, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे प्राइवेट हों, चाहे पब्लिक हों, चाहे एनबीएफसीज हों, चाहे एसएफसीज हों, सबको एक करेक्शन के दौर से गुजर रहे हैं और गुजरना चाहिए भी और पड़ेगा भी। सो कुछ और बैंक्स जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वो निश्चित रूप से कैंडिडेट बनेंगे बाहर निकलने के। और बैंकों में अभी और पूंजी डाली जाएगी आगे चल के हम देखेंगे? जो बैंक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके पास में 2-3 रास्ते होंगे। अब एक समय है कि उन्हें अपनी कैपिटल अपने से रेज करनी चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए। उसमें उनके मार्केट रेजिंग्स की सबको परमिशंस दी जा चुकी हैं, साथ ही साथ उनके नॉन कोर असेट्स हैं उनको भी उन्हें सेल करने की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन जो बेटर परफॉर्म करेंगे सरकार उनको जल्द से जल्द पीसीए के बाहर निकालने के लिए जो भी कैपिटल की आवश्यकता है वो पूरी करेगी। यस सर, एक छोटे बैंकों के जो मर्जर की बात थी, जो कमजोर बैंक है उनको मर्ज करने का भी जो एक प्रपोजल था, तो उस पर और आगे काम हुआ है? देखिए, कोई भी मर्जर इसलिए नहीं करना है कि छोटे को बड़े में मिला दीजिए और बड़े को भी खराब कर दीजिए। मर्जर जब भी किया गया है और या किया जाएगा वो उसी फंडामेंटल्स पे बेस होगा कि आप जो कंबाइंड एंटिटी है उसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हों कि वो छोटे का शॉक भी अब्जॉर्ब कर ले और साथ ही साथ अपने आप एक बहुत बड़ा बैंक, मजबूत बैंक बने, जिससे जो सिनर्जी है, जो तारतम्यता है वो आपस में बने। धन्यवाद।